आज आलोक का बर्थडे है, इसीलिए स्काइलर हिप हॉप और रेड क्रिमिनल क्लॉक टावर आए हुए हैं और ये लोग अभी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। तभी हिप हॉप कहता है, स्काइलर मैं और रेड क्रिमिनल ने सजावट के सारे सामान ले आए हैं, लेकिन इस सारे सजावट के सामान को कौन लगाएगा? स्काइलर कहता है, अरे रेड क्रिमिनल, गुल्ली बुल्ली और बाकी के सारे क्रिमिनल्स कहाँ हैं? तुमने उन लोगों को बुलाया या नहीं? मैंने गुल्ली बुल्ली को बोल दिया है, वो लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन मैं क्रिमिनल्स को बुलाना ही भूल गया। स्काइलर कहता है, तुम उन लोगों को अभी बुला लो, और हाँ सभी को बोल देना कि आलोक को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सारे लोग क्लॉक टावर में उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, मुझे लगता है कि क्रिमिनल्स को चलकर यहाँ आने में बहुत देर होगी, इसीलिए मैं जीप से उन लोगों को लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम वहाँ रुक मत जाना, क्रिमिनल्स को लेकर जल्दी आना। इतना सुनते ही रेड क्रिमिनल क्रिमिनल्स को लाने के लिए जाने लगता है। थोड़ी देर में रेड क्रिमिनल जीप में आकर बैठ जाता है और फिर रेड क्रिमिनल जीप को स्टार्ट करता है और बाकी के क्रिमिनल्स को लेने के लिए जाने लगता है। पता नहीं रेड क्रिमिनल जहां जा रहा है वहां इसे सारे क्रिमिनल्स मिलेंगे या नहीं। थोड़ी देर में रेड क्रिमिनल चाय की दुकान के पास आ जाता है। रेड क्रिमिनल देखता है कि सारे क्रिमिनल्स तो चाय की दुकान के पास ही हैं। चाय की दुकान के पास आते ही रेड क्रिमिनल जीप को रोक देता है। तुम लोगों को पता है ना कि आज आलोक का बर्थडे है, इसीलिए हम लोगों को क्लॉक टावर में आलोक के बर्थडे की तैयारी करनी है। जल्दी से जीप में बैठ जाओ, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, हम लोगों को पता है कि आज आलोक का बर्थडे है, लेकिन किसी ने हम लोगों को बुलाया ही नहीं, तो हम लोग कैसे जाते? स्काइलर ने मुझे तुम लोगों को बुलाने को कहा था, लेकिन मैं काम के चक्कर में तुम लोगों को बुलाना ही भूल गया था। लेकिन अब वो सब छोड़ो, जल्दी से जीप में बैठ जाओ। और फिर सारे क्रिमिनल्स जीप में बैठ जाते हैं, लेकिन पर्पल क्रिमिनल कहाँ है? अरे ये क्या, ये तो जीप के आगे बैठा हुआ है। और फिर ये लोग क्लॉक टावर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सारे क्रिमिनल्स क्लॉक टावर आ जाते हैं। क्लॉक टावर के सीढ़ियों के पास आते ही रेड क्रिमिनल जीप में ब्रेक लगाता है। तभी अरे ये क्या, पर्पल क्रिमिनल तो जीप से नीचे गिर गया। कहीं पर्पल क्रिमिनल जीप से नीचे गिरकर बेहोश तो नहीं हो गया? रेड क्रिमिनल कहता है, अरे पर्पल क्रिमिनल तो नीचे गिर गया, इससे पहले कि ये उठकर खड़ा हो जाए और हम चारों को मारना शुरू कर दे, उससे पहले हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर ये लोग जीप से उतर जाते हैं और पर्पल क्रिमिनल को देखने लगते हैं। तभी पर्पल क्रिमिनल उठकर खड़ा होने लगता है। ये देखकर चारों क्रिमिनल सीढ़ियों से ऊपर भागने लगते हैं। इन लोगों को भागता देखकर पर्पल क्रिमिनल उन लोगों को दौड़ा देता है। ये लोग भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आते ही क्रिमिनल देखते हैं कि यहाँ तो रोड और चुन्नी आ चुके हैं। और अरे ये क्या, रोड तो अपने साथ आलोक के बर्थडे का केक भी लेकर आया है। तभी चुन्नी क्रिमिनल से कहता है, आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं, कहीं आप लोगों को किसी कुत्ते ने तो नहीं दौड़ा दिया? अरे नहीं चुन्नी, हम लोगों को किसी कुत्ते ने नहीं दौड़ाया है, हम लोग तो ऐसे ही दौड़ रहे थे। स्काइलर कहता है, वो सब छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है, चलो जल्दी से क्लॉक टावर सजाना शुरू करते हैं। स्काइलर के इतना कहते ही इन लोगों को किसी की आवाज आती है। अरे ये क्या, यहाँ तो गुल्ली बुल्ली आ चुके हैं। गुल्ली बुल्ली को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली तो अपने साथ आलोक का गिफ्ट भी लेकर आए हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली लोगों के पास जाने लगते हैं। इन लोगों के पास आते ही गुल्ली कहता है, अभी तक तुम लोगों ने क्लॉक टावर नहीं सजाया है, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे थे? स्काइलर कहता है, गुल्ली मैंने रेड क्रिमिनल को बोल दिया था कि तुम सारे क्रिमिनल्स को अपने साथ लेकर आना, लेकिन रेड क्रिमिनल उन लोगों को अपने साथ लाना ही भूल गया था। और फिर रेड क्रिमिनल अभी जाकर सारे क्रिमिनल्स को लेकर आया है, तो अब तुम लोग देर क्यों कर रहे हो? वैसे भी सोन ने मुझसे कहा है कि वो एक घंटे बाद आलोक को झूठ बोलकर अपने साथ यहाँ लेकर आएगा, चलो जल्दी से बर्थडे की तैयारी करो। और इधर आलोक अकेले कहीं जा रहा है। आज आलोक बहुत उदास है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके किसी भी दोस्त को उसका बर्थडे याद नहीं है। तभी एक इंसान दौड़ते हुए आलोक के पास आता है और आलोक से कहता है, आलोक मेरे पीछे जो फैक्ट्री है, मैं अभी उसके पास से आ रहा था, तभी मैंने देखा कि दो लोग सोन को बेहोश करके अपने साथ फैक्ट्री के अंदर ले जा रहे थे और वो लोग सोन को मारने की बात कर रहे थे। जल्दी तुम सोन को बचा लो, नहीं तो वो लोग सोन को जान से मार देंगे। आलोक कहता है, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बारे में सब पता है क्योंकि मैं गुल्ली बुल्ली के घर के पास ही रहता हूँ। अब वो सब छोड़ो, जल्दी जाओ सोन को बचाने। और फिर आलोक दौड़ते हुए उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। फैक्ट्री के पास आते ही आलोक रुक जाता है और सोचता है, कहीं वो इंसान मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, रुको मैं अभी सोन को फोन करके देखता हूँ, अगर ये इंसान झूठ बोल रहा होगा तो आज मैं इसे बहुत मारूंगा। और फिर आलोक अपना मोबाइल निकालता है और सोन के पास कॉल करता है। और इधर सोन आलोक को लेने के लिए उसके घर जा रहा है, लेकिन सोन उसी रास्ते से जा रहा है जहां वो फैक्ट्री है। तभी सोन के पास आलोक का कॉल आता है, लेकिन सोन बहुत स्पीड में स्कूटर चला रहा है, इसलिए सोन को रिंग सुनाई नहीं दे रही है। सोन कॉल नहीं उठाता है तो आलोक कॉल कट कर देता है और कहता है, लगता है सोन अभी बिजी है और वो इंसान मुझसे झूठ ही बोल रहा था, लेकिन अगर वो इंसान सही बोल रहा होगा तो?
रुको मैं फैक्ट्री के अंदर जाकर देख ही लेता हूँ। और फिर आलोक उस फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। अरे ये फैक्ट्री के बाहर कौन खड़ा है? ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो ब्लैक जोकर है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और फिर ये जोकर अपने आप हंसने लगता है। तभी यहाँ पे वही इंसान आ जाता है जिसने आलोक को फैक्ट्री के अंदर भेजा था। तभी ब्लैक जोकर अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और उस आदमी से कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ इस बात के बारे में तुम किसी को मत बताना। और फिर ये आदमी अपने पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। आलोक ने एक दिन मुझे बहुत मारा था, इसलिए आज मैं आलोक से अपना बदला लूंगा और आलोक को जान से मार दूंगा। तो अब क्या होगा आगे? क्या ये ब्लैक जोकर आलोक को जान से मार देगा? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।